हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शोभनी। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले आप पूरा वीडियो देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ब्यूटी से रिलेटेड और कुछ ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल। अगर आपको भी बहुत टाइम से झाइयाँ हैं और आपकी झाइयाँ जाने का नाम नहीं ले रही हैं, तो मैं आज आप लोगों के साथ एक इतनी सिंपल लेकिन इतनी वर्कफुल रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपकी झाइयों को 101% रिमूव करेगा। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ एक छोटा सा आलू, जिसको मैंने ऑलमोस्ट छील के कहिए रख लिया है, और इसको मैंने 5 मिनट के लिए ठंडे पानी में भी डिप करके रख लिया है। बिकॉज़ ठंडे पानी में या सादा पानी में आलू को डिप करने से जो उसमें स्टार्च होता है, जो उसके बेनिफिट्स होते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देते हैं। तो इसके बाद आपको लेना है किसनी और इससे आपको इसको कद्दूकस कर लेना है। और अगर आपके पास इस प्रकार की किसनी नहीं है तो ग्राइंडर होगा तो आप उसकी हेल्प से इसको ग्राइंड कर लीजिए। टोटली हमें इसका जो कहिए स्मूथ पेस्ट बनाना है या इस प्रकार का कद्दूकस कर लेना है, जिससे इसका जो रस है वो निकल जाए। मैंने इसी किसनी की हेल्प से इसको इस प्रकार से कद्दूकस कर लिया है। अब इसको आप चाहें तो किसी भी छन्नी की हेल्प से छान लीजिए जिसमें इसका रस निकल जाए, चाहे तो यूं ही हाथों से ही इसको इसका रस निकाल लीजिए। मैं जैसे कि यहाँ आपको हाथों से ही रस निकाल कर बताती हूँ। इस तरह से आप अगर इसको दबाते हैं तो जो भी इसमें रस है, इसका जूस है, वो पूरा निकल आएगा। और आपको काफ़ी टाइटली दबाना है जिससे इसका जो इसमें जितना भी इसमें इसका जूस है वो निकल आए। और देखिए, ये मैंने यहाँ पूरा ही अपने गद्दी में से दबाकर इसका पूरा जूस निकाल लिया है। आपको भी इसी प्रकार से या किसी भी छन्नी की हेल्प से इसका टोटली जूस सारा निकाल लेना है। और उसके बाद इसको आपको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है, जो इसमें जो स्टार्च नीचे दब जाए। ये देखिए, मैंने निकालने के बाद नीचे जो दिख रहा है, जो आपको ये आलू का स्टार्च है, यही आपको स्पेशली चाहिए आपकी रेमेडी के लिए, आपकी रिंकल रिमूव करने के लिए। आप इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। जो इसका स्टार्च होगा आलू का इसके रस में, वो नीचे बैठ जाता है क्योंकि वो भारी होता है। और अब इसके बाद 10 मिनट रेस्ट के बाद में इसको आपको अब आप इसको अपनी झाइयों पर जो इसका स्टार्च है, स्पेशली जो वाइट नीचे बैठा हुआ है, वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको करना क्या है कि आपको वो वाइट अपने हाथेलियों से या फिंगर की हेल्प से आपको लेना है। जो जहाँ पर आपकी रिंकल्स हैं वहाँ आपको इसको हल्के हल्के से अप्लाई करना है और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसके बाद आपको जो इसका मिक्स कर लेना है स्पून की या चम्मच की हेल्प से, और मिक्स करने के बाद आपको पूरे रस को अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। पहले आपको 5 मिनट के लिए स्टार्च लगाना है, वो वाइटनेस लगानी है, क्योंकि जो झाइयाँ हैं उनका कलर आपने देखा होगा ब्लैक होता है, रेड होता है। जो स्टार्च है उसको लगाने से जो आपकी ब्लैक है या रेडनेस है वो जल्दी से जल्दी रिमूव होगी। और उसके बाद जब आपका ये स्टार्च सूख जाए तो आपको अपने हाथों से या किसी भी कॉटन वाइट पर ये जूस लेना है और अपने फेस पर हल्के से मसाज करनी है। कॉटन वाइट से तो मसाज अच्छे से होगी नहीं, तो आप इसको हथेलियों पर लीजिए और जैसे किसी भी क्रीम से या मॉइस्चराइजर से आप अपने फेस पर मसाज करते हैं, सेम उसी प्रकार से आपको इसको 5 मिनट तक मसाज करनी है। फिर सूखने के लिए छोड़ देना है। सूखने के बाद आप इसको चाहें तो गर्म पानी से भी धो सकते हैं, वरना ठंडे पानी से नहीं, नॉर्मल वाटर से, जो ठंडा भी ना हो ज़्यादा, उस पानी से आपको अपना फेस को वॉश कर लेना है। और केवल एक हफ्ते में ही आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि आपकी चाहे जितनी भी पुरानी झाइयाँ क्यों ना हो, केवल एक हफ्ते में ही रिमूव हो जाएंगी।